वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दोस्तों, एक दोस्त ने मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज किया है। उन्होंने बताया कि उनका फेसबुक प्रोफाइल में एक प्रॉब्लम चल रहा है, एक नया टाइप का पॉलिसी इशू देखने के लिए मिल रहा है। एंड आप सभी को पता होगा, पॉलिसी इशू अगर आपको आ जाता है, वो कोई भी होने दो, तो आप उस प्रोफाइल से या पेज से एक भी पैसा अर्निंग नहीं कर सकते हो। यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख लीजिए, वो दोस्त का ये वाला प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक नया टाइप का यहाँ पे प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। साफ साफ में लिखा है देख लीजिए, रिसेंट वायलेशन बोल के, एंड उसका नीचे लिखा है इन एलिजिबल कंट्री बोल के। तो ये जो एक पॉलिसी इशू में यहाँ पे पकड़ा जाता है, एंड इसीलिए उनका आ चुका है। एंड उन्होंने बहुत परेशान है, जैसे वहाँ पे क्लिक किया है एलिजिबल कंट्री में, तो उनके सामने ये निकाल के आ चुका है कि इन एलिजिबल कंट्री, एंड जो पेज का नेम दे दिया है, इन कंट्री हुआर प्रोफाइल कैन नॉट मोनेटाइज विद रील्स, एंड उसके बाद लर्न मोड आ जाते हैं। लर्न मोड में क्लिक करने से फेसबुक आपको और कुछ भी बता देता है। मैं आपको बता देता हूँ ये जो इन एलिजिबल कंट्री आता क्यों है। उसका पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो, इन एलिजिबल कंट्री आता क्यों है, फेसबुक का जो मोनेटाइजेशन है सभी कंट्री के लिए अवेलेबल नहीं है, कुछ कंट्री के लिए यहाँ पे अप्रूव नहीं किया है, जैसे आपका पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सब के लिए अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपने वो सब जगह से फेसबुक को यूज़ करते हो, तो आपका प्रोफाइल या पेज कभी मोनेटाइज नहीं होगा, एंड उससे आप पैसा नहीं कमा सकते। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ ये आपको कहाँ मिलता है, इन एलिजिबल कंट्री जो आपको कहाँ देखने को मिलता है, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जाऊँगा, अपना मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड को ऑन कर लेता हूँ, एंड उसके बाद मैं अपना फेसबुक ओपन कर चुका हूँ, आप देख सकते हो। उसके बाद ऊपर में जो राइट साइड में डीपी में टैप करूँगा, यहाँ पे अपना जो पर्सनल प्रोफेशनल डैशबोर्ड में टैप कर दूंगा। देने के बाद दोस्तों, यहाँ पे नीचे आ जाऊँगा, यहाँ पे मोनेटाइजेशन बोल के जो मेरा ऑप्शन शो हो जाएगा, यहाँ पे मैं टैप कर दूंगा। देने के बाद दोस्तों, यहाँ पे कोई भी, जैसे मैं इन स्ट्रीम ऐड को क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने की मिल जाएगा, देख लीजिए, लिव्स इन एन एलिजिबल कंट्री, एंड उसका बगल में मेरा टिक मार्क है, मतलब मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ एंड इंडिया एलिजिबल है, इसीलिए टिक मार्क आ चुका है। अगर आपके यहाँ पे टिक मार्क नहीं है, इसे क्रॉस मार्क आ रहा है, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपका पेज मोनेटाइज नहीं करेंगे, नहीं होगा। तो क्रॉस मार्क को कैसे हटाएंगे वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताऊंगा। एंड अगर आप पता करना चाहते हो कि कौन सा कंट्री में ये अवेलेबल है, कौन सा कंट्री में अवेलेबल नहीं है, तो वो बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए एलिजिबल कंट्री का ऑप्शन है, यहाँ पे टैप कर दीजिए। देने के बाद ये फेसबुक का एक ऑफिशियल वेबसाइट में लेके चला जाएगा, एंड वहाँ पे आपको दिखा देगा। यहाँ पे देख लीजिए, आ चुका हूँ, फेसबुक इन स्ट्रीम ऐड कंट्री एंड लैंग्वेज अवेलेबिलिटी। ओनली कंट्री नहीं, यहाँ पे लैंग्वेज भी डिपेंड करता है, आप ये लैंग्वेज में बना सकते हो तभी आपका जो इन स्ट्रीम ऐड मोनेटाइज होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वो कौन सा नीचे तरफ आ जाइए, यहाँ पे आपको देखने मिल जाए, देख लीजिए, इन स्ट्रीम ऐड आर अवेलेबल इन दोस कंट्री, ठीक है, यहाँ पर टैप कर दीजिए। एंड यहाँ पे जितना सारा कंट्री आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, ये सभी जगह में अभी इन स्ट्रीम ऐड अवेलेबल है। एंड हमारा है इंडिया, तो इंडिया भी यहाँ पे देख लीजिए मेंशन है। इसका मतलब अगर आपने इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 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 बहुत सारा लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं लेकिन फिर भी उनको क्रॉस मार्क है, राइट, तो उनको कैसे सॉल्व करना वो भी मैं बताता हूँ। एंड इसके बाद आता हूँ मैं लैंग्वेज, उसके बाद यहाँ पे जाता हूँ, मैं लैंग्वेज में दिखाता हूँ जो लैंग्वेज में आपको अवेलेबल है। नीचे तो आ जाइए, यहाँ पे लैंग्वेज में टैप कर दीजिए। ये जितना सारा लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में अगर आपने वीडियो बनाते हो तभी आपका मोनेटाइज होगा, इससे अलावा जो दूसरा लैंग्वेज है उसमें बनाएगा तो नहीं होगा। तो ये है प्रॉब्लम, आप समझ चुके होंगे। अभी देख लीजिए, जो लोग दूसरा कंट्री में रहते हो, जिन लोगों को अप्रूव नहीं है यहाँ पे फेसबुक मोनेटाइजेशन अप्रूव नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, मैं आपको उसका पहले बता देता हूँ कि जो लोग इंडिया से है फिर भी उनको क्रॉस मार्क दिखा रहा है, वो लोग क्या करना, नॉट ओनली इंडिया, जो अप्रूव है उसमें है फिर भी क्रॉस मार्क आ रहा है, तो उन लोग को क्या करना। देखो, फेसबुक में अगर आपने नया नया प्रोफाइल ओपन कर दो या पेज ओपन कर दो, 30 डेज नहीं हुआ लेकिन उसका पहले आपको 5000 फॉलोअर यहाँ पे गेन कर चुके हो, आपका 60,000 मिनट आपके भी वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है, 5 लाइव वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपको 30 डेज नहीं हुआ आपका प्रोफाइल या पेज में, तभी जाके आपको ये बाइडबल क्रॉस मार्क रहेगा। तो उसमें आपको सोचने वाला बात ये है कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका प्रोफाइल 30 डेज का ऊपर जाएगा तो तभी आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड तभी ये जगह टिक मार्क हो जाएगा। मैं समझा चुका हूँ, जो लोग इसमें है इंडिया में या जो जो अप्रूव कंट्री में है, वो लोग को प्रॉब्लम होता है तो कैसे सॉल्व होता है, ऑटोमेटिक सॉल्व होता है, 30 दिन वेट करना पड़ेगा। एंड जिन लोग ये कंट्री में नहीं रहते हो, बोले तो वो कंट्री फेसबुक अलाउ नहीं करते, तो वो लोग क्या कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आपने ऐसा कंट्री से बिलोंग करते हो तो आपको एक दूसरा पेज एडमिन आपको ऐड करना पड़ेगा। एंड ध्यान से सुन लीजिए, जब एडमिन ऐड करेंगे वेरी क्लोज आदमी को लेना है, क्योंकि वो आपका पेज या प्रोफाइल खा सकता है। जैसे कि आप इंडिया से ले लीजिए किसी एडमिन को, या आप जो
कंट्री में आपका फेसबुक मोनेटाइजेशन अवेलेबल है वो कंट्री से किसी व्यक्ति को अब एडमिन बना लीजिए एंड उसके बाद आपको खुद वहाँ से रिमूव होना है। आप रहने से नहीं होगा, आपका कंट्री तो एलिजिबल नहीं है लेकिन आप वहाँ पे रहेंगे तो नहीं होगा। आपको पूरा पेज उनको हाथ में ट्रांसफ़र कर देना है, उनको ऐड कर देना है एंड आप वहाँ से रिमूव होना है, ठीक है। एंड उनको बोलिए एक महीना उन्होंने उनका कंट्री से कुछ लाइव वगैरह करेगा, वीडियो वगैरह पोस्ट करेगा, तभी जाके आपका फेसबुक पेज एक्टिवेट होगा। एंड जब उनका आपने डिटेल्स दे दिया ना, उनको एडमिन बना दिया ना, तो पेमेंट जो अकाउंट है, जो बैंक अकाउंट, सब कुछ खाते उनका ही ऐड करना है, तभी जाके आपका पेज मोनेटाइज होगा। तो ये बहुत बड़ा लोचा है। अगर आपने ऐसे आपका सब कुछ दूसरे को खाते में दे देंगे तो वो अगर आपको रिटर्न नहीं करेगा तो आप क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकते। तो इस क्षेत्रों में आप ना जाइए, मत जाइए। तो आप दूसरा, अगर आपका कंट्री में अवेलेबल नहीं है तो दूसरा कुछ ट्राई कर लीजिए, बट ऐसे में जाएगा तो आपको ओनली हाई हाई करना पड़ेगा आपका पेज या प्रोफाइल लेके, वो भी कुछ भी गलत कर सकता है या आपको नहीं भी दे सकते। तो ये था दोस्तों टोटल वीडियो है, जो इन एलिजिबल कंट्री का जो प्रॉब्लम था मैं आपको पूरा डिटेल्स में समझाने का कोशिश किया हूँ, ए टू जेड मैंने आपको समझा चुका हूँ। तो आज का वीडियो दोस्तों यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। कुछ भी डाउट है मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे शो हो रहा है, मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको डायरेक्टली आंसर करूँगा। आज के वीडियो यहाँ पे क्लोज करता हूँ, मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जर्ज अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।